तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम और मटर की सब्जी रेसिपी। देखिए मैंने किस तरीके से मशरूम को अच्छे से धो करके कटिंग कर ली है, इस तरीके से, और प्याज मिर्ची वगैरह सभी को मैंने कटिंग कर ली है। इस तरीके से अच्छे से मैं सभी को कटिंग कर ली हूँ। अब ली है मैंने कढ़ाई में तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें, मशरूम के लिए तेल बहुत कम ही लगता है इसलिए कम तेल इस्तेमाल करें। फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ प्याज, फिर मैं इसमें डाल दूँगी मिर्ची। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे प्याज और मिर्ची को। मशरूम सब्ज़ी बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और मशरूम आसानी से पक जाता है। देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। मशरूम बड़ा साइज़ का था थोड़ा, तो मैंने एक मशरूम को तीन भाग में कटिंग की है। आप अपने हिसाब से साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, छोटा बड़ा। देखिए इस तरीके से जब प्याज और मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। देखिए इस तरीके से टमाटर को डाल करके इसको भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर को। बीच बीच में चम्मच, देखिए टमाटर अच्छे से पकना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से पकाएंगे टमाटर को। जब ये हल्का इस तरीके से पकने लग जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार। देखिए अच्छे से पक गया तो और एक दो बार चम्मच चला देना है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब चम्मच की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मशरूम और मटर की जो सब्ज़ी है ना, इस तरीके से सिंपल से बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पर जीरा वगैरह का इस्तेमाल नहीं की है। अब इसमें मशरूम को मैं डाल दूँगी। देखिए जब इस तरीके से मसाला अच्छे से हल्का भुन जा जाएगा, तो अब चम्मच की मदद से सभी को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद मैं मशरूम को थोड़ा देर ऐसे ही पकाऊँगी, क्योंकि मशरूम बहुत अधिक पानी छोड़ता है तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन जाता है। आप चाहे तो इसको सूखा भी बना सकते हैं। यहाँ बस मैं ग्रेवी वाला बनाऊँगी। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसको थोड़ा देर इस तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। इस तरीके से थोड़ा देर पकने देंगे मशरूम को। जैसे जैसे मशरूम पकना शुरू कर देगा तो इसमें पानी छोड़ते जाएगा मशरूम। देखिए इस तरीके से इसमें मैं और ढक करके थोड़ा देर पका लूँगी। देखिए मशरूम अच्छे से पानी छोड़ने शुरू कर दिए हैं, इससे मशरूम बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो इस तरीके से चम्मच चलाते हुए मशरूम को अच्छे से पका लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा देर और पकने के बाद। देखिए इस तरीके से और चम्मच चला देना है। अच्छे से इस तरीके से चम्मच चलाकर भूंजेंगे। यहाँ पर मैं मशरूम और मटर की सब्जी बना रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल सादा मशरूम का भी सब्जी बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। फिर मैं इसमें यहाँ पर मटर को उबाल ली हूँ, सूखा मटर को, और इसको अच्छे से इस तरीके से डाल करके मैं इसको भूंजूंगी सभी को साथ में। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। देखिए इस तरीके से थोड़ा देर बाद और चम्मच चला दूँगी। थोड़ा देर भूंजने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। देखिए इस तरीके से पानी डालकर सभी को अच्छे से मैं पकाऊंगी। इसमें एक बार और चम्मच चला देंगे।
इस तरीके से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फिर इसको मैं ढक करके पका लूँगी। देखिए इस तरीके से इसको ढक करके थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए फिर मैंने चेक की है इसे, अभी थोड़ा रसा ज़्यादा है इसमें सब्ज़ी में, तो इसको मैं थोड़ा सा और पकने दूँगी। मीडियम रसा रखना है। देखिए इस तरीके से अब सब्ज़ी में रसा क्या है कम हो गया है, और क्या है गैस बंद करने के बाद सब्ज़ी और सोखता है रसा, तो मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मशरूम और मटर की सब्ज़ी बन करके रेडी है। तो आप भी इसी तरीके से मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।